फादर और द फादर में क्या अंतर है? मैं फिर से कहता हूं कि 99% लोग इसको गलत बताएंगे, आप अपना आंसर सोच लीजिएगा दिमाग में। देखिए, फादर का मतलब होता है पिता, और पिता कोई भी हो सकता है, भाई कोई भी हो सकता है, मम्मी कोई भी हो सकती है, तो पिता क्या है? इट इज अ कॉमन नाउन। द फादर का मतलब क्या होता है? ध्यान रखना, अगर कॉमन नाउन के आगे एक आर्टिकल आ जाए तो ये कॉमन नाउन को क्या बना देता है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना देता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, जो आपकी भावनाओं में ही निहित है, जिसको आप छू ना सकें, गिन ना सकें, टच ना कर सकें, उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो फादर का मतलब पिता, लेकिन द फादर का मतलब क्या होगा? पिता का प्यार, और हिंदी में बड़ा प्यारा शब्द है पितृत्व, क्योंकि हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें शब्दों की कमी नहीं है, शब्दकोश काफी उन्नत है। इंग्लिश में सारे वर्ड्स इधर उधर से लिए गए हैं, इसीलिए इंग्लिश में शब्दों की बड़ी कमी है। जैसे कि हम पतंग को भी काइट कहते हैं, चील को भी काइट कहते हैं। तो ध्यान रखना, फादर का मतलब पिता, लेकिन द फादर का मतलब पितृत्व। मैं एक सेंटेंस के माध्यम से अपनी बात क्लियर करूंगा। एट लास्ट, अंत में, द फादर इन हिम prevailed and excused him। अंत में उसके अंदर का पिता, अंदर का पिता का मतलब पिता का प्यार जागा और उसने उसको माफ कर दिया। पिता के प्यार को हम बोलते हैं पितृत्व। ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछे मदर, मदर का मतलब तो होता है मम्मी, लेकिन द मदर का मतलब मम्मी का प्यार, और हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है, एक शब्द दिया गया है, दैट इज कॉल्ड मातृत्व। सिमिलरली, ब्रदर का मतलब भाई, लेकिन द ब्रदर का मतलब भाई का प्यार, जिसको हम कहते हैं भ्रातृत्व। तो हिंदी में शब्द काफी उन्नत हैं, इंग्लिश में शब्द इधर उधर की लैंग्वेजेस से कॉपी किए गए हैं। इसीलिए मैंने आपको कई बार बताया है कि आप एक मीनिंग से भी हजारों मीनिंग तैयार कर सकते हैं। जैसे कि बड़े सिंपल लैंग्वेज में, फंडे में मैं आपकी अपनी बात समझाऊंगा। क्रेसी, ये इंग्लिश में क्रेसी शब्द जहां भी आ जाए ना, इसका मतलब होता है टूल, चाहे आपको उसका अर्थ पता है या नहीं है। जैसे कि ऑटोक्रेसी, अब जैसा हम हिंदी में संधि विच्छेद करते हैं ना, इंग्लिश में भी जरा संधि विच्छेद करें। अगर इसका संधि विच्छेद करें तो वो होगा ऑटो प्लस क्रेसी, और क्रेसी का आप जानते हैं, क्रेसी शब्द जहां भी आ जाए इसका मतलब टू रूल, यानी शासन करना, और ऑटो शब्द जहां भी आ जाए इसका मतलब सेल्फ, जैसे ऑटोमेटिक होती है स्वचालित, ऑटोमेशन ऑटोमोबाइल, और ऑटोक्रेसी खुद का शासन, जिसको हम कहते हैं तानाशाही। चाइना में आजकल क्या है? तानाशाही तो है, उनकी नजर में बुड्ढों की कोई कीमत नहीं है, बुड्ढों को मर जाने दो, जी के भी वो क्या करेंगे, वो तो देश पर बोझ हैं। लेकिन हमारी संस्कृति में उनको सम्माननीय दर्जा दिया जाता है और उनका सम्मान किया जाता है। तो देखिए, गैरंटोक्रेसी और गैरंटो शब्द जहां भी आ जाए इसका मतलब होता है ओल्ड एज से रिलेटेड, ओल्ड एज वालों की, बड़े बूढ़ों की हमारे घर में चलती है, हम उसको कहते हैं गैरंटोक्रेसी। सिमिलरली, हम जिस देश में रहते हैं वहां क्या है? लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन, डेमोक्रेसी। अगर इसका संधि विच्छेद करें तो डेमोक्रेसी, डेमो का मतलब लोग, जैसे डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक का मतलब अफेक्टिंग द पीपल इन द रीजन, डेमोक्रेसी लोगों का शासन, इसको हम कहते हैं लोकतंत्र। आजकल धारा 144 लागू है और आप देख रहे हैं कि सारे आईएएस आईपीएस हम पर शासन कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी, यानी ब्यूरोक्रेट्स का शासन। तो मोटा मोटा समझ गए कि ये क्रेसी शब्द जहां भी आ जाए इसका मतलब शासन होता है, चाहे वो शब्द आपको याद है या नहीं है, आप इसके हिसाब से उसको सेंस आउट कर सकते हैं। ऑटो जहां भी आ जाए सेल्फ, जैसे कि ऑटो बायोग्राफी, अगर इस शब्द का संधि विच्छेद किया जाए तो वो होगा ऑटो प्लस बायो प्लस ग्राफी। अब देखिए, तीन रूट्स हैं। ऑटो का मतलब तो स्वतः है, मैंने बताया, और बायो का मतलब होता है लाइफ, यानी कि जीवन, आपने सुना होगा बायोलॉजी, जीवन विज्ञान, बायोडायवर्सिटी, जैविक विविधता,
बायोफ्यूल, जैविक ईंधन, बायोमास, बायोमोलिक्यूल। तो यू कैन गेट थाउजेंड्स ऑफ द वर्ड्स, लेकिन बायो जहां भी आ जाए इसका मतलब जीवन, और ग्रेफी शब्द जहां भी आ जाए इसका मतलब टू राइट। तो खुद के जीवन के बारे में जो लिखी गई है दैट इज कॉल्ड ऑटोग्राफी। एक आपने ऑटोग्राफ भी सुना होगा, खुद जो ऑटोग्राफ सिग्नेचर कर देता है दैट इज कॉल्ड ऑटोग्राफ। आई होप कार्डियोग्राफी सुनी होगी, कार्डियो शब्द जहां भी आ जाए इसका मतलब हर्ट से संबंधित होता है, हृदय से संबंधित होता है। कार्डियोलॉजिस्ट हृदय रोग विशेषज्ञ, कार्डियोग्राम कार्डियोग्राफ, तो यू कैन गेट थाउजेंड्स ऑफ। कार्डियोजेनिक हृदय जनित, जेनिक का मतलब उत्पन्न करना, जैसे जेनेटिक। तो कार्डियोजेनिक का मतलब ऐसी डिजीजेस जो हर्ट से प्रोड्यूस होती हैं। तो आप हजारों मीनिंग एक मीनिंग से याद कर सकते हैं। और देखिए एंटी शब्द जहां भी आ जाए, ये तो ऐसा शब्द है जो सबने सुना होगा, इसका मतलब होता है अगेंस्ट, किसी के खिलाफ काम करना, किसी के अपोजिट काम करना। एंटीबायोटिक आपने दवाई सुनी होगी, एंटीसेप्टिक का इंजेक्शन सुना होगा, एंटी पार्टी सुनी होगी, ऐसे ही एंटी करप्शन, एंटी टेररिज्म, एंटीपैथी, एंटीटेली, एंटीबेलियम, एंटीटेलियम, एंटीपोलियम। मान लिया तुम्हें एंटीपैथी का मतलब नहीं पता लेकिन एंटी है तो इसका मतलब अगेंस्ट होगा, ये भी आप सेंस आउट कर सकते। Thanks for holding the patience and watching this video. In the next video, I will discuss some more interesting topics during this corona issue. कोरोना वायरस से अपनी पढ़ाई को संक्रमित न होने दें, जुड़े हमारी ऑनलाइन क्लासेस से।